हजारों मील लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है और हर छोटे कदम को जोड़ जोड़ कर हम अपने सफलता तक पहुंचते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 4 साल का एक बड़ा गैप था। इस गैप में हम कुछ ये भी भूल गए हैं, सिलेबस क्या था, पाठ्यक्रम क्या था। जब भी सुपर टेट का नाम आता है कहीं ना कहीं आदमी गुस्से से इंसान अगबगला हो जा रहा है, लेकिन अपने आप को संयम रखना है। लगातार आप देख रहे हैं माननीय सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, और बीटीसी बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जैसे बीटीसी बीएड का मामला समाप्त होगा, उत्तर प्रदेश समेत भारत के अन्य अलग अलग राज्यों में एक बड़ी बड़ी शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी। और एक तरफ हम अपनी किताबों को घर में तख्त पर रखकर, मेज पर रखकर भूल गए हैं कि जब भर्ती आएगी तब शुरू करेंगे। आप देखा होगा और आपने भी जाना होगा कि उत्तर प्रदेश का या अन्य राज्यों का इतिहास रहा है कि भर्ती अचानक से आती है, 2 से 3 महीने में विज्ञप्ति, विज्ञापन और पेपर भी हो जाता है। बेशक वो भर्तियां न्यायालय की दहलीज पर 6 महीना 2 साल बाद नियुक्ति पत्र के रूप में मिले, लेकिन परीक्षा होने तक का जो कार्यक्रम होता है ये 60 से 90 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो उस समय समय कम होता है पढ़ें, रिवीजन करें, तो ऐसे मेधावी और अच्छे अभ्यर्थी भी रेस से बाहर हो जाते हैं। कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं और मार्कशीट को नहीं भर पाते। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, डर हावी हो जाता है। कई बार हम विषयों का चयन नहीं कर पाते। कई बार हम अंडर प्रेशर हो जाते हैं। कई बार हमारे घर की, समाज की, परिवार की परिस्थितियां इस योग्य नहीं हो पाती कि हम उनसे लड़कर अपने सिलेक्शन को और मजबूत कर सकें। इस दशा में आप सभी को ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर मैं फिर से सुपर टेट की निःशुल्क बैच लगा रहा हूं। जी हाँ, ये निःशुल्क बैच जो है सुपर टेट विद दुर्गेश सर एक यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपके लिए चलेगी। और साथ ही साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज, इन सभी पर ये सीरीज आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, जहां पर हम उन सभी कुछ चंद भावी शिक्षकों शिक्षिकाओं के साथ एक एक कदम जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिनका सपना कल का एक सरकारी शिक्षक शिक्षिका बनना है। क्योंकि आपको और हम सभी को पता है कि मंथन लगातार केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हो रही है। इस आगामी चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें भर्ती का बिगुल आपके लिए जरूर बजेगा। अगर इसमें भर्तियां नहीं आई तो यकीन मानिए फिर विधानसभा के चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब फिर 2 साल का एक वनवास झेलना पड़ेगा। उम्र भी बढ़ती जा रही है, बहुत सारी ऐसी गृहिणी महिलाएं होंगी जिनको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा होगा, बीटीसी बीएड डेलेट कोर्स करके टेट सीटेट पास हो चुकी हैं, उनके लिए भी प्रेशर बन रहा है। और कई ऐसे भी हैं जिनका अभी तक यूपीटेट या सीटेट भी क्लियर नहीं हो पाया, तो उनके लिए अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट पढ़ रहे हैं, तो साथ ही साथ उनका यूपीटेट भी अपने आप साथ ही साथ क्लियर होता चलेगा, क्योंकि सुपर टेट के सिलेबस के अंदर ही यूपीटेट का भी सिलेबस आपको अपने आप कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर पर फोकस करना है और साथ ही साथ परीक्षाओं के ट्रेंड बदल रहे हैं, परीक्षाओं में प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है, और अगर हम अपने आप को समय के साथ नहीं बदलते हैं तो फिर हम हमेशा रेस से बाहर हो जाएंगे। और अगर हमें आपको अपने परिवार का सपना पूरा करना है, अभी भी समय है, अपनी रेस की शुरुआत यहां से करिए और हम आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है। मार्केट से किताबें खरीद लीजिए, वैसे आपके पास अगर है तो ठीक है, एक अच्छी सी कॉपी ले लीजिए, 2-3 कलर का कलर पेन ले लीजिए। अगर आप कहें तो थियरी की क्लास, अगर आप सबके एमसीक्यू की क्लास, या तो पहले मैं आपको ये एमसीक्यू पढ़ा लें उसके बाद हम थियरी पर फोकस करें, आप जैसा कहेंगे उसी आधार पर हम आपके सेशन को आगे लेकर चलेंगे। हमेशा आते हैं हमारे बहुत सारे, हमारी भी बहन है, हमारे भाई हैं जिन्होंने टेट सीटेट उत्तीर्ण कर लिया, उनके साथ साथ हम आपके साथ भी चाहते हैं कि आप भी, हो सकता है कुछ हमारे बराबर हैं, कुछ हमसे बड़े हैं, कुछ हमसे छोटे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो अपने परिवार के लिए कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा उनके लिए नहीं है जो इस बात के लिए कहें ठीक है भर्ती आएगी तब हम पढ़ लेंगे, भर्ती आएगी तब हम पढ़ लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है, बेशक उम्र कम है लेकिन अनुभव, लोगों के साथ जुड़ाव ने बहुत कुछ सीखा और सिखाया है। तो आप सभी से फिर से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी रेस को एक बार फिर से शुरू करिए। आने वाला 6 महीना आपके लिए निर्णायक होगा। कुछ लोग कमेंट करेंगे सर अभी हम नहीं पढ़ेंगे, भर्ती आएगी तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, भर्ती आएगी तब पढ़ेगा। लेकिन वे अभ्यर्थी जिनको लगता है कि नहीं उनका कुछ वीक जोन है, जैसे अभी आपने केबीएस की परीक्षाओं को देखा है, बहुत बड़े बड़े तुर्रम खा थे जो अपने आप को तुप समझते थे, वो 110 115 पे जाकर लुढ़क गए हैं, 120 तक जाकर लुढ़क गए हैं, और उनको लगता है यही उनकी कट ऑफ है, इसी पर उनको नियुक्ति मिल जाएगी। बेशक ये उनकी गलत फहमी है, और आप ये सोचिए कि अब जो 4 साल से पढ़कर केवीएस में बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, उनके सामने
ये सीखना है कि उनको सुपर टेट में स्कोर करना है, उनको आने वाली परीक्षाओं में स्कोर करना है। कुछ लोग कमेंट करेंगे सर भर्ती नहीं आएगी, हम नहीं पढ़ेंगे। तो याद रखिए, हमारे माँ बाप हमें बचपन से सिखाते आ रहे हैं कि सब कुछ इंसान बांट सकता है, लेकिन हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज, हमारी जानकारी कोई बांट नहीं सकता, कोई साझा नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़कर कहता हूं कि पढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी करिए, सबसे बेस्ट स्टडी है। कहीं भी जाएंगे, किसी के पास जाएंगे, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं किसी के पास जादुई पानी हो आपको दे देगा और आप पी लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खुद पढ़ना है, मंजिल आपको अगर तय करना है, अभी भी आपके पास समय है, आज से आप जोर लगा दीजिएगा। हम आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं जो टेलीग्राम पर, जी हाँ टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस के, ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां पर सभी क्लास के लिंक और नोटिफिकेशन मिलेगी। एक और यूट्यूब चैनल है सुपर टेट विथ दुर्गेश सर, डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक मिल जाएगी, दोनों की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप जुड़िएगा। वहां पर दो क्लासेस होंगी, एक क्लास यहां पर हम आपके लिए लेकर आएंगे। अब आपको तय करना है आप एमसीक्यू मेथड में पढ़ेंगे, थियरी पढ़ेंगे, किस विषय से हम शुरुआत करें, क्योंकि आने वाले सोमवार से हम आपके लिए सुपर टेट का रिविजन बैच लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम तेजी से आपके सिलेबस को कवर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि डे बाय डे हम आपको मजबूती ला सके। और आप खुद में देखिएगा कितने में से कितने अंक आप अर्जित कर पा रहे हैं, कितना आपका वीक जोन रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग जोन रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सफल और असफल व्यक्ति में केवल सोच का फर्क होता है। कुछ थककर बैठ जाते हैं, कुछ वहीं से शुरू करते हैं, तो जहां थककर बैठ जाते हैं ना, उसी के ठीक सामने हमारी मंजिल होती है। इसलिए आपको अपना बेस्ट और अपना बेहतर देते रहना है, अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी रहेगी, अगर आपकी मजबूती रहेगी, तो यकीनन भर्ती कभी भी आए, किसी भी समय आए, आप सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत जान लगा के कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया, अगर जो सुपर टेट का सिलेबस अगर आपने कवर कर लिया, तो आने वाले बहुत सारे एग्जाम में आपको कम मेहनत की जरूरत पड़ेगी। एक बार अगर आपने जीएस पढ़ लिया, पूरा मैथमेटिक्स पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया और शिक्षण सीडीपी के सेक्शन को पढ़ लिया, कंप्यूटर को पढ़ लिया, विविध पूरा पढ़ लिया, तो जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें या जिस जो भी भर्ती परीक्षा की अगर आपके पास विज्ञप्ति आती है, कोई नोटिफिकेशन होता है, उसमें भी आप अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे, अगर आपने हिंदी पूरा तैयार कर लिया है, अगर हिंदी में आपके सवाल गलत नहीं हो रहे, तो 150 नंबर के सुपर टेट में अब आपको 130 पढ़ना है। अगर कोई सुपर टेट आने के बाद पढ़ना शुरू करेगा तो 150 नंबर का पूरा सिलेबस पढ़ेगा, लेकिन आप केवल 130 नंबर का पढ़ेंगे, क्योंकि 20 नंबर आपका पूरा तैयार है। इसी तरह एक एक सेक्शन अगर आपने पूरा तैयार कर लिया, तो यकीन मानिए खुद में आपकी मजबूती होगी। उस समय जिस समय लोग प्रेशर झेल रहे होंगे कि मैं 2 महीने में 3 महीने में कैसे सिलेबस को पूरा करूं, उस समय आप रिविजन करेंगे। यह बैच आप सभी के लिए रिविजन बैच है। जो भी साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के टेलीग्राम से जुड़कर ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे थे, वे सभी भी इस क्लास के साथ जुड़े रहें और अपना बेहतर देते रहें। और आप सभी साथी खुद भी जुड़िएगा, अपने सभी साथी मित्रों को जोड़िएगा। यह निशुल्क रिवीजन बैच आप सभी के लिए मेरे द्वारा मेरे बचे हुए समय में हम अपने लेकर आएंगे एज ए गेस्ट के रूप में ई-लर्निंग विद दुर्गेश के। ये ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के आप यूट्यूब चैनल पर इसे लाइव पढ़ और देख पाएंगे। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही बेल आइकन दबा के रखिएगा और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, ताकि हर क्लास की अपडेट, हर क्लास की नोटिफिकेशन, हर क्लास की पीडीएफ नोट्स आपको मिलती रहे। अगर आपको कोई व्यक्तिगत सुझाव है, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते, अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि आप चाहे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप कमेंट करके कोई सुझाव दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर खुद भी पढ़ाना चाहते हैं, अगर आपने तैयारी कर लिया है, आपके पास ज्ञान अर्जित हो गया और आप चाहते हैं ऑनलाइन के क्षेत्र में आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ पढ़ाना चाहते हैं, ई-लर्निंग विद दुर्गेश का प्लेटफॉर्म जैसे मेरे लिए खुला है, वैसे आपके लिए भी खुला है। आप अपना रिज्यूम elearningwithdurgesh@gmail.com पर आप भेज सकते हैं, या ई-लर्निंग विद दुर्गेश के जो ऑफिस का नंबर है 6306344367, उस पर आप व्हाट्सएप करके आप जानकारी दे सकते हैं, अपना साझा कर सकते हैं और खुद भी ई-लर्निंग विद दुर्गेश का हिस्सा बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को में जुड़े रहने के लिए थैंक यू। और पढ़ते रहिएगा, क्योंकि पढ़ना ही आपकी वास्तविक असली पूंजी है, बिना इसके असफलता तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए खुद में खुद के लिए बेस्ट देते रहिएगा, यकीन मानिए सिलेक्शन एक न एक दिन आपके कदमों होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहे छोटा समझिए चाहे बड़ा समझिए, पढ़ते रहिएगा, पढ़ना ही आपका अंतिम सत्य है, जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और आपने अगर मेहनत किया, यकीन मानिए सफलता जरूर होगी, देर से होगी लेकिन दुरुस्त होगी। भर्ती चाहे जब है, लेकिन तैयारी चाहे जब नहीं हो पाएगी। तैयारी उस बड़ी इमारत की तरह है जिसकी एक एक ईंट से नींव के साथ साथ आखिरी मंजिल बनती है, और वह एक एक ईंट चुनने में हमें महीनों और सालों लग जाते हैं। इमारत बनकर जब तैयार होती है तो लगता है वाह क्या इमारत है, लेकिन उस सफलता के पीछे कितनी ईंटों की
मेहनत होती है ये हम और आप महसूस कर सकते हैं। बेहतर करते रहिएगा, बेस्ट करते रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस हमेशा सिलेक्शन से थी, सिलेक्शन से है और सिलेक्शन से रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत। डेली क्लास होगी सोमवार से, निःशुल्क सुपरटेट रिविजन बैच। आप कमेंट करके बताइएगा आप थियरी पढ़ना चाहेंगे या एमसीक्यू के साथ पढ़ना चाहेंगे। थैंक यू।